कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज होली का त्यौहार है और ऐसे में हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं राहुल शर्मा, आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। अब राज्य के गैर पंजीकृत किसान भी सरकार को बेच सकते हैं अपना धान। गढ़वा के किसानों को 90% अनुदान पर दिया जा रहा है पंप सेट और पाइप। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। अब राज्य में गैर पंजीकृत किसान भी अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो किसान लैम्प्स पैक्स आकर अपना धान बेचना चाहते हैं उनसे धान खरीदा जाए। इससे पहले लैम्प्स पैक्स में ही उनके मोबाइल पर SMS करके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 30 अप्रैल तक 55 से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। गढ़वा के किसानों को सिंचाई के लिए 90% अनुदान पर पंप सेट और पाइप देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को 1.5 से 3 हॉर्स पावर तक का सिंचाई पंप सेट और 200 फीट SDPI पाइप उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिन लघु एवं सीमांत किसान स्वयं सहायता समूह और किसान क्लबों द्वारा पूर्व में आवेदन दिया जा चुका है, वे अपने प्रखंड कार्यालय या जिला भूमि संरक्षण कार्यालय या फिर जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क करें और अनुदान प्राप्त करके अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करें। राज्य के किसान गैर पारंपरिक फसलों में औषधीय फसलों की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है सामूहिक खेती, क्योंकि ग्राहक एक साथ थोक में खरीदारी करना चाहते हैं। किसान औषधीय फसलों की बिक्री के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी बाजार से संपर्क कर सकते हैं। औषधीय पौधों की सामूहिक खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों का उत्पाद आसानी से बिक जाता है, साथ ही बीज, खाद, दवा, सिंचाई और मजदूरी पर होने वाले खर्च में भी बचत होती है। खेती में जब लागत कम आएगी तो मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा। दो फैक्टर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि प्रॉपर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ और दूसरा है कि मार्केटिंग लिंकेज। आज के डेट में बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, जैसे डाबर हो गई, झंडू हो गया, बैद्यनाथ हो गया और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, हिमालया वगैरह हो गई, ये आज के डेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं और साथ में बायबैक गारंटी भी दे रही हैं। यदि किसान समूह में आके यदि एक जगह मेगा स्तर पर यानी 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर की यदि खेती एक जगह हो तो आज के डेट में मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरूरत है कि मिडिल मैन से उन्हें सावधान रहना होगा और इस मामले में यदि कोई किसान समूह बना के यदि खेती करते हैं तो वो हम लोग से संपर्क करें। मार्केटिंग लिंकेज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय उनकी कराएगी मार्केटिंग लिंकेज। राज्य के जो किसान बसंतकालीन मिर्च की खेती करना चाहते हैं वे अविलंब बुआई का काम संपन्न कर लें। झारखंड में मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46, पूसा ज्वाला या KA 2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है।
राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफेद चादर का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। यह 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है, जिसका वजन करीब 7.5 किलो है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना अंडा परजीवियों की रोकथाम के उपाय के बारे में। मिर्च फसल में अंडा परजीवी लग जाए तो यह फसल और फसल के मित्र कीटों के लिए काफी घातक साबित होती है। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो इसमें लगने वाले व्यस्क अंडा परजीवियों की रोकथाम के लिए खेत में प्रति एकड़ 5 फेरेमोन ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी। मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। किसान भाइयों, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कि झारखंड की जलवायु गर्मा मूंग की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ऐसे में हम अच्छे प्रभेद का चुनाव कर अधिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में किसान भाई अपने खेतों में गर्मा मूंग की खेती कर लाभ कमा सकते हैं। गर्मा मूंग की खेती के कई फायदे हैं। पहला तो इसके फसल चक्र में आने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और दूसरा इससे जो भूमि खाली पड़ी रहती है उसका सही उपयोग हो जाता है। गर्मा में मूंग की खेती अवश्य करें, क्यों? इससे दो तीन फायदे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूंग एक दलहनी फसल है ना, और दलहनी फसल को जब आप फसल चक्र में लाएंगे, यानी मान लीजिए खरीफ में आपने धान लगाया, रबी में आपने गेहूँ लगाया, और उसके बाद अगर गर्मी में अगर आप दलहन फसल लाते हैं तो इससे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी बनी रहती है ना। फसल चक्र में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एक दलहन फसल कम से कम वहाँ पर आए, ताकि आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो हमेशा बनी रहे। और दूसरा चीज़, अगर आप खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो खेत है वो खाली पड़ा रहेगा, और खाली पड़ा रहेगा तो आपको कुछ भी उपज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गर्मा मूंग को वहाँ पर लगाते हैं तो क्या होगा, एक दलहनी फसल आपको मिल जाएगा, जो कि यूं ही आपकी खेत बेकार पड़ी रहती। गर्मा मूंग की खेती के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च का समय उपयुक्त होता है। इन दिनों ऐसे प्रभेद जो 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाते हैं उनका चुनाव कर बुआई कर देनी चाहिए। इसकी बुआई में अधिक देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से फसलों की उत्पादकता घट जाती है। तो गर्मा मूंग का मतलब ही है कि वैसे मूंग की खेती जो गर्मी के दिनों में होती है,
तो गर्मी के दिनों में मूंग की खेती हम कब करेंगे, ये 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में, ये पीरियड आप ध्यान रखिए, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप गर्मा मूंग की खेती को अवश्य पूरा कर लें, है ना। और जो भी प्रभेद आप चाहते हैं चुनाव करें कि प्रभेद का जो पकने का जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है, वो 60 से 65 दिनों का हो। ज़्यादा लंबी अवधि का प्रभेद आप नहीं चुनेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी अवधि का प्रभेद चुनेंगे तो क्या होगा, खेतों में फसल देर तक रहेगी, और जब देर तक रहेगी तो जैसे जैसे खेतों में फसल का चक्र जो है आगे बढ़ते जाएगा, आप जानते हैं कि मई जून के महीने में काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ती है और तेज़ पछिया हवा चलती है ना, तो इन दोनों के चलते क्या होगा कि फ्रूट सेटिंग जो है, जो उसकी उत्पादन क्षमता है, वो काफ़ी प्रभावित होगी और आपको सिर्फ चारा ही मिलेगा वहाँ पे और आपको उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। वैसे तो गर्मा मूंग के कई प्रभेद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा प्रभेद है वो है पूसा विशाल और SML 668। ये दोनों प्रभेद गर्मा मूंग के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। तो प्रभेद में मैं दो प्रभेद का नाम लेना चाहूँगा, खास करके गर्मा मूंग के लिए, जिसमें पहला है पूसा विशाल, है ना, और दूसरी प्रभेद जो है वो SML 668, पूसा विशाल, SML 668। ये दो प्रभेद ऐसे हैं जो गर्मा मूंग के लिए बहुत ही उपयुक्त पाए जाते हैं, और किसान भाई अगर इसको लगाएं तो हम समझते हैं कि कम से कम 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर उनका उत्पादन उनको मिलना चाहिए। गर्मा मूंग के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो। इसके लिए ऊपरी भूमि उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि वहाँ जल का ठहराव नहीं होता, अतः इसके लिए मध्यम तथा निचली भूमि उपयुक्त होती है। गर्मा मूंग लगाने के लिए आप वैसे ज़मीन का चुनाव करें जहाँ पर जल धारण क्षमता जो है मिट्टी की, वो कुछ देर तक बनी रहती है। जल धारण क्षमता का मतलब ये हुआ कि मिट्टी में अगर हम सिंचाई करते हैं तो पानी कुछ देर तक वहाँ टिकना चाहिए। आपको पता है कि झारखंड में तीन तरह के ज़मीन ज़्यादातर पाए जाते हैं, पहला ऊंची ज़मीन, दूसरा मध्यम ज़मीन, तीसरा नीची ज़मीन। ये ऊंची ज़मीन जो होती है वो गर्मा मूंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि ये ज़मीन जो होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत ख़राब है। इसलिए हम आपको, आपके माध्यम से किसान भाई को ये सलाह देना चाहेंगे कि गर्मा मूंग के लिए वैसे ज़मीन का चुनाव करें जो मध्यम और नीची ज़मीन हो, है ना। मध्यम और नीची ज़मीन होने से क्या होगा कि उसकी जो जल धारण क्षमता है वो अधिक होगी और फसल उसमें अच्छे ढंग से उत्पादन होगा। गर्मा मूंग लगाने से पहले बीजोपचार करना आवश्यक होता है। इसका बीजोपचार राइजोबियम कल्चर के द्वारा किया जाता है। 1 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम राइजोबियम कल्चर उपयुक्त होते हैं। ये बीजोपचार बीजों को खेत में लगाने से 3 घंटे पहले करना चाहिए, तभी फसलों का उत्पादन अच्छा हो पाएगा। गर्मा मूंग अगर आप लगाने जा रहे हैं तो राइजोबियम कल्चर से सीड को जरूर ट्रीट करें, है ना। राइजोबियम कल्चर एक केमिकल है जो मार्केट में पैकेट में उपलब्ध होता है। 2 ग्राम राइजोबियम कल्चर 1 kg सीड के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी अगर आपके पास 5 kg सीड है लगाने के लिए तो कितना ग्राम राइजोबियम कल्चर लगेगा, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम 5 किलो के लिए, यानी 2 kg पर kg सीड के लिए राइजोबियम कल्चर से सीड को ट्रीट करें। अब सब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि ये सीड ट्रीटमेंट हम कब करेंगे। तो ये सीड ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब आपको लगाना है, जिस दिन आपको लगाना है उसके 2-3 घंटे पहले आप सीड ट्रीट करके तब खेतों में लगाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि लगाना कल है आपको और सीड ट्रीटमेंट आप आज कर लिए। गर्मा मूंग की खेती अच्छी हो इसके लिए उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यक होता है। इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फेट, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 20 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और जब इसमें फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जब उर्वरक डालने की बात करते हैं, तो उर्वरक में यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिप्सम, चूँकि ये दलहनी फसल है इसलिए इसमें सल्फर का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इसका दर क्या होगा, इसका दर होगा 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फेट, 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटास और 20 kg जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डालेंगे तो इसका उत्पादन अच्छा होगा।
इस तरह कुछ बातों पर ध्यान देकर गर्मा मूंग की अच्छी फसल ली जा सकती है तथा इसे फसल चक्र में सम्मिलित कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। किसान भाइयों, यहाँ भी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। यहाँ हम आपको बता दें कि औषधीय पौधों के लिए पहले हम जंगल पर निर्भर थे, लेकिन लगातार हो रही जंगलों की कटाई से इसकी संभावनाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, यानी खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से खेती कर हम अधिक लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। फसलों के साथ किसान भाई अक्सर इमारती लकड़ी के पौधे लगाते हैं, उनके बड़े होने पर उनसे मोटी रकम मिलती है। अधिक कमाई के लिए किसान भाई अक्सर मेड़ पर शीशम, साल, सागवान आदि पेड़ लगाते हैं, लेकिन बदलते दौर में किसान भाई औषधीय पौधे लगाकर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यह अलग बात है कि आपको इसकी समुचित जानकारी नहीं है। इनके बीज, पौधे, रोपण तकनीक की जानकारी नहीं होने के कारण आप इन्हें नहीं लगाते, जबकि औषधीय पौधों के गुणों के कारण इसकी खेती करना काफ़ी फायदेमंद है। इसके महत्व के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। लगभग 15,000 पौधों से दवाएं एवं रसायन बनाई जाती है, जिससे इसकी मांग भी बढ़ी है। अगर किसान भाई औषधीय पौधों की खेती की तरफ रुझान दिखाते हैं तो काफ़ी आर्थिक फायदा हो सकता है। और यदि आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतने जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 12 जो हैं मेगा डाइवर्सिटी एरियाज हैं, जिसमें कि मेडिसिनल प्लांट्स की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब यदि मैं इस पे प्लांट्स पे आऊँ तो भारत में, पूरे भारत में लगभग 47,000 प्लांट की प्रजाति पाई जाती है। इसमें से लगभग 15,000 जो हैं वो औषधीय पौधों में, विभिन्न प्रकार के औषधीय जो उत्पाद में बनाने में जो हैं ये उसमें वर्णित हैं। आप यदि आयुर्वेद में, यूनानी में देखें तो इसमें लगभग 700 पौधे हैं, सिद्धा में 600 पौधे हैं। तो मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार के औषधीय प्रकार के दवाइयाँ बनती हैं, उसमें 90% उपयोग जो प्लांट के से पाए हुए तत्वों का होता है, और इसलिए इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। पूर्व में औषधीय पौधों के लिए जंगल पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन जंगलों के कम होने के कारण इसकी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खेती की जरूरत महसूस की जा रही है। आज के डेट में देखें कि औषधीय पौधों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। वो ऐसी बीमारी का जो उपचार जो चाहते हैं वो सेफ होना चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे घरों के आसपास सर्वसुलभ होना चाहिए। तो लोग की मानसिकता ऐसी हो गई है। और साथ में ये आजकल औषधीय पौधों को एक न्यूट्रिटिव ड्रिंक के रूप में, उसके उत्पाद के रूप में भी बहुत सारे जो जागरूक जो हैं वो ले रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी खेती करना आज के युग में काफ़ी आवश्यकता है, चूँकि जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है, सप्लाई 1/4 है और डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाइयों, अगर आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो खेत का चुनाव और नर्सरी प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, साथ ही प्रशिक्षण भी ले लें। औषधीय पौधों की खेती में समय का बड़ा महत्व है, इसलिए समय एवं मांग के अनुसार फसलों का चयन करें जो अधिक लाभ प्रदान करे। किसी भी खेती का, जो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करेंगे तो सबसे पहले तो आप नर्सरी करेंगे। नर्सरी करने के बाद आपका जो है जमीन का उपयुक्त जमीन का चुनाव करेंगे, उपयुक्त वैरायटी का चुनाव करेंगे, सही समय पे उसमें जो है आपका जो खाद वगैरह जो देना है, सड़ी भी गोबर की खाद देंगे, सही समय पे उसको आप हार्वेस्टिंग करेंगे। क्योंकि मेडिसिनल प्लांट में होता क्या है कि यदि आपने समय का चुनाव सही नहीं किया, समय अपने खेती की चुनाव सही तरीके से नहीं करी, तो उसमें मेडिसिनल प्लांट की जो वैल्यू होती है उसके अवयव के कारण होता है, उसमें जो केमिकल अवयव है उसके कारण होता है। यदि वो सही मात्रा में नहीं आया तो किसान को उससे मुनाफा नहीं हो पाएगा। औषधीय पौधों की खेती अन्य फसलों की तरह ही कर सकते हैं,
लेकिन फसल चक्र का ध्यान जरूर रखें। इसकी खेती में रोजगार सृजन भी होता है, क्योंकि लगाने से लेकर प्रसंस्करण तक दक्ष लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं इसके लाभ के बारे में मैं आता हूँ। सबसे पहले है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला लाभ ये होगा कि जो पारंपरिक फसलों से हटकर जो सीरियल्स हम लोग लेते हैं या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेते हैं, उसके हंसकर आप इसमें जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें एक नया कंपोनेंट आएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके। तो जिसके कारण क्या होगा कि विविधता आने के कारण हमारी जैव जो विविधता है वो संरक्षित रहेगी और किसानों को अलग एक रोजगार का एक आय का अतिरिक्त साधन मिलेगा। दूसरा ये है कि आपका इसमें इनकम जनरेशन इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं या बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसमें इनकम जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है सीरियल्स के मुकाबले या और किसी क्रॉप्स के मुकाबले। इसमें इनकम जनरेशन ज़्यादा, जैसे मैंने सर्पगंधा के बारे में बताया कि यदि 18 महीने की क्रॉप है तो इसमें 1.25 लाख तक की आमदनी है। एलोवेरा के बारे में बताया आपने, 70,000-80,000 तक की आमदनी होती है। आप कालमेक के बारे में बताया कि मात्र 3 महीने में 30,000-40,000 की आमदनी होती है, तो पर्याप्त मात्रा में इसमें आमदनी होगी। तो तीसरा ये है कि आपका रोज़गार में वृद्धि होता है। रोज़गार में वृद्धि यूँ होता है कि आप जब इसमें करें नर्सरी करने के लिए कुछ स्किल्ड मैन की चाहिए, खेती करने के लिए चाहिए, उसके बाद जो इसमें अलग फैक्टर ये है कि इसका प्रोसेसिंग करना होता है। जड़ है, पत्ती है, जो भी चीज़ आप उत्पाद लेते हैं तो इसका अलग से प्रोसेसिंग करना, तो प्रोसेसिंग करने के लिए अनेक छोटे स्तर पे जो है इंडस्ट्री बैठेगी, तो उसमें अलग से हमें रोज़गार मिलेगा, लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। तो पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, इन सारे चीज़ों में अलग से रोज़गार मिलेगा। तो ये तीन जो हैं इसके महत्व आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ में प्रॉपर मार्केटिंग लिंकेज हम लोग किसानों को उपलब्ध कराएं, वो फैसिलिटेट करें, तो इसकी खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक और बिल्कुल कमर्शियली रूप से हम इसको कर सकते हैं। और ऐसा करके हमारे झारखंड में हम एक नई परंपरा की शुरुआत कर पाएंगे, जो अभी तक स्लो रेट है, इसका जो डोमेस्टिकेशन का रेट है वो काफ़ी स्लो है। यदि हम इन सारे चीज़ को अडॉप्ट कर पाएँ तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा और हमें किसानों को किसान समृद्ध बन पाएंगे। किसान भाइयों, औषधीय पौधों की खेती आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और न सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि अगर आप बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी अवसर है। सरकार भी सहयोग कर रही है, तो आप भी आगे आएँ और औषधीय पौधों की खेती से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें और लोगों के लिए रोजगार सृजन में मदद करें। किसान भाइयों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना पता नोट करा देते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।